पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नागपुर में भी टेक्नो रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए थे। इस मौके पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दे पर बीजेपी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर जोरदार हमला बोल किया। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे डर है कि किसी दिन नितिन गडकरी के खिलाफ भी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा टोला भी उनके द्वारा बीजेपी पर लगाया गया। होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं, और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है, महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है, और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आए, और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हों, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है जो सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, क्या सोचिए? तो ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एजेंसियां हैं इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन अभी जो सरकार है वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये वक्त की बात है, कहते हैं कि सांच को आँच नहीं होता है, जो सही है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इस देश में विपक्ष का गला घोंटने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है। मुझे तो डर है कि कहीं गडकरी जी के खिलाफ भी ना सीबीआई आ जाए कुछ दिन में।